नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। गांधी परिवार पर सरनेम हड़पने के लगाए आरोप। सीएम बोले, सारे गांधी कैसे बन गए, मैंने बहुत दिन रिसर्च किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस फार्मूले से गांधी है हमें भी बताएं। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू को 14 दिन की जेल, स्पेशल सेल में रहेंगे। बता दें कि 9 सितंबर को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में किया गया था गिरफ्तार। वहीं कोर्ट ने उन्हें घर का खाना और दवाइयां उपलब्ध कराने के दिए आदेश। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में महिला सरपंच के पति को मारी गोली, घायल अवस्था में नारनौल के निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गांव डेरोली जाट में ममता सरपंच का पति रणवीर सिंह खेत में कर रहा था काम, इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम। हरियाणा में 4 ट्रेनें रहेंगी रद्द। भारी बरसात के चलते रेलवे ने लिया फैसला। रेवाड़ी, हिसार और दिल्ली रूट पर रेल सेवाएं प्रभावित रहने से यात्री हुए परेशान। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने रेलवे विभाग को जारी किया आदेश। हाईकोर्ट जाएंगे कांग्रेस विधायक मामन खान। नो हिंसा भड़काने में आया था नाम, पूछताछ के लिए एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक। बता दें कि इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज लगा चुके हैं विधायक पर कई गंभीर आरोप। हरियाणा के जिला कैथल में हनुमान वाटिका में गर्जे किसान। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की बैठक में किसानों ने सरकार को जमकर कोसा। किसानों ने सरकार से की कैथल सहित चीका व बाहर के राइस मिलरों को धान खरीदने की अनुमति देने की मांग। पंजाब के पहले टूरिज्म समिट की हुई शुरुआत। मोहाली में पहुंचे सीएम भगवंत मान। कैडियन कपिल शर्मा ने की आप सरकार के प्रयास की सराहना। इस दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री और चीफ सेक्रेटरी पंजाब अनुराग वर्मा और अन्य पदाधिकारी भी रहे मौजूद। पंजाब में कम हुई सरकार की मुसीबतें। देर रात सरकार से पेंडिंग प्रमोशन पर मिला आश्वासन। मीटिंग के बाद डीसी दफ्तर यूनियन और मिनिस्ट्रियल स्टाफ यूनियन ने कलम छोड़ हड़ताल ली वापस। बता दें कि सरकार की चेतावनी के बाद भी मांगों पर डटे रहे कर्मचारी। पंजाब के किसानों ने लुधियाना के 6 मार्गों पर किया चक्का जाम। बता दें कि भू माफियों की ठगी का शिकार होने के बाद किसान सुखविंदर सिंह की आत्महत्या के बाद इंसाफ की मांग पर अड़े किसान। मामले में पंजाब पुलिस से जल्द कार्रवाई की गुहार। राजस्थान के तमाम शहरों में आज रात 12 बजे के बाद नहीं चलेंगी प्राइवेट बसें। एक दिन की हड़ताल पर ऑपरेटर ने जाने का लिया आदेश। बता दें कि बसों पर लगने वाला टैक्स आधा करने व परमिट अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सौंपे जाएंगे सरकार को ज्ञापन। सच कहूं न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।